हम टोल प्लाजा क्रॉस करने लगे हैं जी। अभी बस जेलम रह गया है 39। यार डरा रही हो तुम, मैंने कहा पता नहीं क्या नजर आ गया। वो इलाका भी ऐसे है, पहाड़ी इलाका है कोई। ये देखो, ये देखो ना, वो इलाका डर लग रहा है जरा दिन के टाइम भी। ये हमने याद है, ये रात के टाइम हमने क्रॉस किया था ये वाला एरिया, और रात के टाइम तो बड़ा डेंजरस था ये। ये देखे जी, ये इलाका देखे, ये सामने से ये देखो, चले चले फ्रेंड। अब आगे भी जो भी आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। वापसी जा रहे हैं मड़ी से लाहौर की तरफ, तो बाइक पे ये देखें जी, ये हमारी बाइक है ये, ठीक है। चले फ्रेंड अब आगे जाके जो आता है मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखें फ्रेंड, ये दीना आ गया है। ये देखें, ये कितना खतरनाक रास्ता है। हाँ जंगल है, पूरा जंगल है, घना जंगल है वो। देखें ये देखें, ये रोड से आप अंदाजा कर ले, कोई भी नहीं है। ये देखें फ्रेंड, ये दीना है, दीने के जंगल है ये बिल्कुल सब। ये देखें, दूसरा रोड नजर नहीं आ रहा उधर वाला, उधर भी रोड है लेकिन नजर नहीं आ रहा। ये देखें, हमें लग रहा हम अकेले ही जा रहे हैं। पीछे भी कुछ भी नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है। ये देखे हम पहुंच चुके हैं, ये देखे जंगल ही है सारा। ये कौन सा इलाका है? दीना? दीना। अच्छा अच्छा, दीने के पास है हम, ये दीने के पास पहुंच चुके हैं। ये देखे, ये सारे घने जंगल हैं यहाँ पे। ये देखे सारे जंगलात हैं यहाँ पे, और ये हम यहाँ से ये देखे, ये मीठे का जूस पीने लगे हैं। मुझे नजर आया, मैंने कहा बर्फ कम रखनी है आपने, तो ना मीठे का जूस पीने लगे हैं यहाँ से। ये सारे जंगल हैं, अगर तो हम रात के टाइम यहाँ पे आते तो बड़ी चीजें होती हैं। ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर आ जाते हैं, इसलिए ये मगरिब तक भी बैठते हैं। ये मगरिब तक ये भी बैठे होते हैं, और कोई आपको पता है हवाई चीजें वगैरह ये चीजें भी होती हैं, काफी चीजें नजर आती हैं यहाँ से। होफ आता है गुजरते हुए, मैं पहले रात के टाइम गुजरा हुआ हूँ यहाँ से, तो अब तो इसलिए दिन का सफ़र कर रहा हूँ। तो ये देखे, मैं मीठे का जूस बनवा रहा हूँ। ये देखें जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये गिलास आते हैं ना दो बन के, तो मैं आपको पी के बताता हूँ कि ये कैसा बना हुआ है, कैसा है। तो आपने देखा कभी यहाँ पे कोई जानवर वगैरह? जंगली रात के टाइम तो कभी कोई चीज नहीं ऐसी देखी कि हवाई चीज जैसे? नहीं नहीं, वो नहीं देखी, क्योंकि ये बड़ा खौफनाक है काम। जंगल है ये सारा, सरकारी जंगल है। अच्छा अच्छा, ये सारा सरकारी जंगल है, इसके साथ मंगला डैम भी लगता है। मंगला डैम लगता है यहाँ, लगता है मीरपुर लगता है। अच्छा अच्छा, ये देखें जी, ये रोड है। ये देखें जी, ये जूस आ गया मीठे का, मैं पी के बताता हूँ आपको कैसा है। सही है फ्रेंड, छठा साल हो गया।
अच्छा, मुझे लगा था ये मौसमी का जूस है। नहीं नहीं, मौसमी तकरीबन अगले महीने में आएगी, नवंबर में। लेकिन ये फायदेमंद है मीठे का जूस, ये आपने अच्छा किया हुआ लगाया। मौसम में अभी बुखार शहर का मौसम है। हाँ जी, यही बात है, जो है जूस हम देते हैं, जूस देते हैं। अच्छा है, चले फ्रेंड आगे जो आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जूस भी मैंने आपसे शेयर किया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। ये वापसी पे अब मैं घर जा रहा हूँ लाहौर की तरफ। ये हम पहुंच गए झेलम, झेलम टूल प्लाजा। आगे दरिया आता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, मेरे साथ ही रहें। ये देखें, ये टूल प्लाजा है झेलम का। ये देखें टूल प्लाजा, मैं दिखाता हूँ दरिया साइड पे रोक के है। ये देखें जी, ये झेलम का टूल प्लाजा, टूल प्लाजा कह रही हूँ, ये झेलम का दरिया है, दरियाए झेलम। ये देखें जी, लोग कहते थे झेलम फुल हो गया, फुल हो गया, ये पानी है झेलम। इतना नहीं, वो सामने आपको खुश्की नज़र आ रही है, इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना को फुल है। कोई फुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। तो अल्लाह पाक ऐसे ही पाकिस्तान को सेफ रखे और दुश्मनों की नज़रों से दूर रखे हमें इंशाल्लाह। बस अपना आप ठीक करे और कोई, बाकी सब ठीक होगा इंशाल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट आपको जो भी मिलता है हमें हम दिखाते हैं, ठीक है। ये झेलम तो आपने देख ही लिया, दरिया कोई इतना पानी नहीं है। लोग कहते थे ऊपर तक पानी आया हुआ है, पुल के ऊपर तक पानी है, कहाँ है, जगह जगह सूखी हुई है, कोई इतना खास पानी नहीं है।